बड़वानी जिला मुख्यालय नगर पालिका की सीमा से लगे बड़गांव ग्राम पंचायत में बनी हाउसिंग बोर्ड के अधीन कैलाश नगर कॉलोनी में पिछले कई महीनों से रहवासी पानी की किल्लत को लेकर परेशान हैं। जन सुनवाई में विधायक, सांसद और नगर पालिका से अपनी गुहार लगा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, ग्राम पंचायत में कैलाश नगर है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने हैंडओवर की कार्यवाही नहीं की। यह बात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं। सरकारी योजना में बनी है कॉलोनी, इन दोनों के चक्कर में कैलाश नगर के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कैलाश नगर के रहवासी पानी की किल्लत को लेकर काफी दिनों से परेशान हैं। आज नगर पालिका अध्यक्ष कॉलोनी वासियों से मिलने पहुंचे तो सभी ने अपनी समस्याएं बताई। वही अध्यक्ष ने हाउसिंग बोर्ड विभाग को कहा, इस मामले में गलती है, कॉलोनी इन्होंने काटी है, पानी की व्यवस्था की जवाबदारी भी इनकी है और इन्हें इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष और हाउसिंग बोर्ड के उपयंत्री के सामने कैलाश नगर के लोगों ने अपनी समस्या रखी पर नतीजा कुछ नहीं निकला। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कुमार पाटीदार, मैं उपयंत्री के पद पे हूँ हाउसिंग बोर्ड में। सर, ये कैलाश नगर वासियों को पानी की समस्या? हाँ, पानी की समस्या यहाँ पर चल रही है, क्योंकि हमने एक ट्यूबवेल भी करवाया था, वो भी पानी नहीं दे पा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल हम टैंकरों से जल प्रदाय कर रहे हैं, पर जो रहवासी हैं उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ट्यूबवेल का पानी जो आता है टैंकर से, वो पानी भी अच्छा नहीं है। तो अभी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर आए हैं नगर पालिका से, तो हमारी चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी भी करवाई है। तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ट्यूबवेल और करने के लिए परमिशन दे दी है, तो जल्दी उसको एक ट्यूबवेल और करवाएंगे। तब तक नगर पालिका से हम पानी लेंगे, प्रति टैंकर नगर पालिका को भुगतान करके। मतलब अभी नगर पालिका फिलहाल टैंकरों से देगी पानी, जब तक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। नगर पालिका से सीमा से लगा हुआ है तो नगर पालिका क्यों नहीं? अब वो उनके नियम है, उनके बायलाज में है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र की कॉलोनियाँ नहीं लेना है, ऐसा उनका कहना है। और चूंकि बोले ये बड़गांव पंचायत में कॉलोनी आ रही है, इसलिए हम नहीं ले पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कैलाश नगर कहीं पर भी हैंडओवर नहीं है। जब तक कॉलोनी हैंडओवर नहीं होती है, तब तक हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो पानी और समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करे। अगर ये हैंडओवर कर देंगे तो फिर जहाँ पर भी हैंडओवर होगी उसकी जिम्मेदारी, उस संस्था की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पानी की व्यवस्था करे। और हैंडओवर करने के पहले भी इनको पानी की व्यवस्था करके देना पड़ेगा। अगर पानी की व्यवस्था करके नहीं दे रहे हैं तो जो भी एस्टिमेट बनेगा उतना पैसा ये जमा करें, क्योंकि कॉलोनी काट के भूल जाना, पब्लिक परेशान हो, जनता परेशान हो, ये ठीक नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का रवैया जनता के प्रति ठीक नहीं है। कॉलोनी काट देना, पैसे ले लेना और अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाना, ये उचित नहीं है। हाउसिंग बोर्ड को पानी की व्यवस्था करना चाहिए, ट्यूबवेल कराना चाहिए। ट्यूबवेल अगर सक्सेस नहीं हो तो नर्मदा से लाइन डालना चाहिए, और नर्मदा से लाइन डालने में असक्षम हो तो नगरपालिका परिषद में उतना पैसा जमा करे, फिर नगरपालिका लाइन डालेगी या जो भी व्यवस्था करेगी। नगरपालिका की जिम्मेदारी तब बनती है जब नगरपालिका में कॉलोनी हैंडओवर हो जाए। क्या समस्या आ रही है? पानी के में सोलह सराधन में से पानी नहीं आ रहा, 20-25 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। नगर पालिका से ही आ रहा था पानी, और ये सोलह सराध से पानी बंद हो गया तो अभी तक पानी नहीं आ रहा। और एक टैंकर भेजा है पानी इतने दिन में, और पानी बिल्कुल, अभी देखो लेट बाथरूम भी बास कर रही है, नहाए नहीं, 3 दिन हो गए, पीने का पानी नहीं। पानी कैसे लाएंगे? मैं अपंग भाई पानी कैसे लाऊँ? मेरे लड़का काम करता है। क्या समस्या आ रही? बात करिए आपने आगे इस बारे में कॉलोनी बनाने से। बोला उनको, चौकीदार को भी बोला और पाटीदार जी को बोला। क्या बोल रहे हो? कि भाई पानी छोड़ो ना, पहले नगर पालिका से पानी आ रहा था, अब पानी नहीं आ रहा तो क्यों बंद करा? क्या किस कारण है? पहले मिल रहा था, अब क्यों बंद कर दिया? और टैंकर का पानी डालते हैं तो ऐसे धोबड़िया का नहीं, इनका पानी जरा पियो, मेरे घर चलो, मैं दे रही हूँ पानी। कैसा गंदा पानी, उसमें कीटाणु आते हैं ना, पानी चाय फट जा रही है, गरीब मनुष्य कहाँ से क्या करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।